क्या तुम हमेशा यहीं घर में रहकर बिन्यामिन और दीना के साथ खेलना चाहते हो? हाँ, मुझे दीना और बिन्यामिन के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। मगर मेरा भी दिल चाहता है कि तुम्हारे साथ खेलूं, लेकिन यहाँ नहीं, सहरा में खेलने कूदने का बड़ा मजा आता है। गल्ला क्यों नहीं लेकर जा रहे हो? बाकी भाइयों के मुंतजिर हैं। तुम लोग आज सहरा नहीं जाओगे? बस जा ही रहे हैं। हम आए ताकि आप यूसुफ को हमारे साथ जाने की इजाजत दे दें। यूसुफ को हमारे साथ सहरा जाने की इजाजत क्यों नहीं देते? ताकि हमारी मदद भी करे और हमारे साथ कुछ खेल कूद भी करे। सहरा खूबसूरत और खुशबूदार रेहान से भरा पड़ा है। कभी तुमने रसभरी खाई है? नहीं, कैसी होती है? बहुत मजेदार, मुझे तो बहुत पसंद है। क्या तुमने कभी ठंडे पानी के चश्मे और बहती हुई नहरें देखी हैं? बात दरअसल ये है कि यूसुफ की माँ नहीं है, उसकी माँ की वसीयत के मुताबिक उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी गर्दन पर है। और फिर माँ बाप का फर्ज है कि वो अपने छोटे बच्चों का ज्यादा ख्याल रखे। लोग हमें ताने देते हैं कि क्या तुम्हारे बाप को तुम पर भरोसा नहीं है जो यूसुफ को तुम्हारे साथ नहीं भेजते? कम से कम आज उनके साथ जाने दें ताकि लोगों की जबानें बंद हो जाएं। लिया, वो अभी बच्चा है, मुझे उसकी आदत हो चुकी है। अगर सहरा जाना और ये काम सीखना उसके हाथ में बेहतर होगा, लेकिन अभी गल्ले के पीछे भागना उसके बस की बात नहीं। लेकिन हम यूसुफ से छोटे थे जब सहरा गए थे। तुम अकेले तो नहीं गए थे? मैं यूसुफ को भी आहिस्ता आहिस्ता सहरा की तरफ लाऊंगा और ये काम सिखाऊंगा, लेकिन उसे यूं अकेला भेजना मुनासिब नहीं है। तो बाबा, हम भी तो उसे ये काम सिखा सकते हैं और बड़े भाई की हैसियत से उसे नसीहत और तरबियत भी कर सकते हैं। मैं भी चाहता हूं कि यूसुफ की तरबियत हो और वो तजुर्बेकार और इस काम में माहिर हो, लेकिन वो अभी बच्चा है। तुम्हें मालूम है कि उसे मेरी मोहब्बत और घर रहने की आदत है। अभी तुम लोगों के साथ वहां पहुंचेगा नहीं कि वापस मेरे पास आने की जिद करने लगेगा। हम उसे खेल कूद में इतना मसरूफ रखेंगे कि आपकी और घर की बिल्कुल याद नहीं आएगी। कितना मजा आएगा चश्मे का ठंडा पानी पीने और नहर में खेलने में। हम सब भाई एक दूसरे के साथ खेलेंगे और मजे करेंगे और कुश्ती लड़ेंगे और खाने में गरम गरम दूध और गोश्त। हमें लगता है आपको हम पर एतमाद ही नहीं। मुझे तुम लोगों पर एतमाद है, लेकिन सहरा के भेड़ियों पर एतबार नहीं है। कहीं तुम लोग खेल में मसरूफ हो गए और यूसुफ से गाफिल हो गए तो कहीं भेड़िया उस पर हमलावर ना हो जाए, जैसा कि ख्वाब में चंद भेड़िए एक बच्चे के पीछे पड़े हुए थे। ये तो सब बहाने हैं बाबा। अच्छा, वो जो आपने खुद देखा जब हमने भेड़िए को मारा, अगर भेड़िया यूसुफ पर हमला करे तो फिर हम 10 भाई किस दिन काम आएंगे? आपका मतलब ये है कि हम इतने कमजोर हैं कि अपने भाई को भेड़िए के हमले से भी ना बचा सकें? बाबा, अगर आप कहें तो मैं भाइयों के साथ सहरा चला जाऊं। बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें बच्चों के साथ खेलना चाहिए। लेकिन बाबा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरा दिल चाहता है कि अपने बड़े भाइयों के साथ खेलूं। इनके साथ सहरा जाने की इजाजत दे दीजिए ना। अब क्या कहेंगे, यूसुफ भी हमारे साथ जाना चाहता है। हाँ बाबा, यूसुफ को हमारे साथ सहरा जाने की इजाजत दे दीजिए। दरख्वास्त करता हूँ बाबा, इजाजत दे दें कि मैं अपने भाइयों के साथ सहरा चला जाऊं। बाबा, मैं इल्तिजा करता हूं। ठीक है, चले जाओ बाबा। आप पर दुरूद हो बाबा, बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। चलो यूसुफ, चलें। जरा रुको, यूसुफ को तैयार करने दो। इधर आओ बेटा। यूसुफ का ख्याल रखना, उसे तुम्हारी तरह सख्तियों की आदत नहीं है। अरे माँ, क्यों परेशान होती हो, हम उस पर कोई आंच नहीं आने देंगे।